देश विदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। खबर बरेली से है, जहां फिर एक बार फूटा कोरोना का बम। चलिए हम आपको पूरा मामला बताते हैं क्या है। पूरा मामला बरेली जिले के गांव शरीफ नगर थाना देवनिया से 10 लोग पॉजिटिव पाए गए। वैश्विक महामारी बन चुके कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है, जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे स्वास्थ्य विभाग की मुश्किल बढ़ती जा रही है। गांव शरीफ नगर में जब कोरोना मरीजों का पता चला, तब वहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची। टीम ने थर्मल स्कैनिंग व रैपिड टेस्ट किए। टेस्ट में 10 लोग पॉजिटिव पाए गए। सभी को होम आइसोलेशन किया जा रहा है। वह ग्राम प्रधान ध्रुवराज सिंह ने गांव में सूचना देकर ग्रामीणों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क लगाकर रहने को कहा। साथ ही और प्रशासन को सूचना भी दी गई। आप देख रहे हैं बरेली से इरफान अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। नमस्कार। बुखार आया, मैंने सोचा कि इसको जांच करा लें। मैं खुद ही स्वास्थ्य विभाग में चीफ फार्मेसिस्ट हूँ, इसलिए मुझे अपना जांच कराना जरूरी था। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, मैंने जांच कराया, मुझे कोरोना पॉजिटिव आया। मैंने गांव में आके सूचना कर दी आने से पहले कि मुझे पॉजिटिव आया, आप लोग मुझसे दूर रहिए। और मैं अपने घर के आस पड़ोस वालों को सूचित कर दिया, मैं अपने घर में होम क्वारंटाइन हूँ। वो अभी तो होम आइसोलेशन एक पूरा परिवार ही है, 7 लोग हैं लोगों, तो वो घर पे ही हैं, बाकायदा नियम का पालन कर रहे हैं और सैनिटाइज करवा दिया गया है। आपने सुरक्षा क्या इंतजाम किए? सुरक्षा से तो यही है, अनाउंसमेंट करवाए गए जी, सब लोग अपने अपने मास्क लगा के रहें, दूरी बना के रखें, यही है मेन। तो